لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرض الهدى السامي. या इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है या उसके साथ कोई दुश्मनी थी या पेंड वालों का उससे कोई मुखासमाना झगड़ा चल रहा था, इस केस के पीछे हकीकत क्या है आप बताएं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो भी है जी, मैं जो कहूँगा हलफन हलफन कहूँगा इंशाल्लाह। मेरे खेत से काम कर दिया सी औरतां, उथे ये वाकया पेश आया ते मैं इन आसिया ने पूछा कि तू ए गल जो असा कर दिया तू कितने, मेरे को इकरार किया कि हाँ मैं गल्ला कीतिया ने। मैं क्या तू क्यों कीतिया ने, उन्हें कहा मैं अपने दीन दिया सारिया किताबा पढ़िया ने, मैं सारा कुछ जान दी हाँ, ये की जान दिया ने, मैं सारा कुछ जान दी हाँ, ये की जान दिया ने। ते मैं हलफन बलफन मस्जिद खलो के कुरान पाक सामने रख के मैं ये गल कहना कि मेरे को इकरार किया और इन्हें ये गल्ला कीतिया ये। और जी भाई अफजल साहब थे भाई इदरीस साहब, जिन्होंने जो खेत के मालिक हैं, जब ये झगड़ा हुआ तो इनको पता चला, ये मौके पे पहुंचे, मौके पे पहुंचने पर उसने खुद इकरार किया और कहा कि मैंने ये बातें की हैं, और साथ उसने ये भी इकरार किया कि मैं अपने दीन को अच्छी तरह समझने वाली हूँ, जानने वाली हूँ, और ये बातें ऐसी हैं। और मैं हलफन ये बात भी करता हूँ कारी साहब, और इस गांव में किसी से किसी की कोई अदावत नहीं है जी, इससे पहले कोई जाति अदावत नहीं है। वो कितने पहले से वो रहे थे? कोई 10-20 साल से पहले मेरा काम मेरे खेत में फालसा तोड़ती थी और भी काम करती थी, किसी से कोई मसला नहीं जी, कोई अदावत नहीं थी जी। अब हमें ये बात समझ और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मैं हलफन ये बयान करता हूँ कुरान पाक के सामने कि इसमें कोई शुभ की शिकायत नहीं है, कोई कमी नहीं है, जो है ये हक है और हम इस हक के पीछे जान देने को तैयार हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान। रुकिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं, जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ जो रेड कलर का बटन नीचे नज़र आ रहा है इसको प्रेस कीजिए, और साथ घंटी वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा आप इसको भी प्रेस कीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा।